तो कहा कि मुझे बस इतना है कि जब मेरे बेटे का गला कट रहा था तो मेरे बेटे को तकलीफ हुई होगी, मैं उस तकलीफ की वजह से गमजदा, और बस कोई वसीला निकल आए कि मैं अपने बेटे से पूछूं कि मेरे लाल तकलीफ कितनी हुई थी। तो कहते कई हफ्तों तक ये बेचैन रही। एक दिन सो के उठी तो इसके चेहरे पे इत्मीनान था। कहा कि मुझे जी की वालिदा, आपके चेहरे पे आज इतना इत्मीनान है, डेली उठ के बच्चे के लिए रोती। कहा आज ख्वाब में मैंने अपने लाल को देखा है, और मैंने बस, और मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे बेटे ने मुझे बोला कि अम्मा आप इतने दिनों से परेशान हो कि मुझे बहुत तकलीफ हुई होगी। कहा बस मैं इतना बता दूं, जब गला कट रहा था तो नजरों के सामने आपका हुसैन खड़े हुए थे। गोया दूसरे लफ्जों में यह बताना चाहा कि मां, जब मिस्र की काफरा औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा था, उन्हें उंगलियों के कटने का पता न चला था, मैं तो उस हुस्न को देख रहा था जो फर्जंद जहरा के लाल का हुस्न था, जिसे खालिक यूसुफ ने अपने हाथों से बनाया हुआ था। कवल्लाह मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे गले पे छुरी कैसे चली। कई ऐसे लम्हात हमारे लिए बड़े गमजदा होते हैं, स्पेशली फिलिस्तीन के जो हालात हैं। कभी कभी तो ये बच्चों के ऊपर जो घर बिल्डिंग्स गिरती हैं तो वल्लाह ये महसूस होता है कि ये हमारे वजूद के ऊपर सब कुछ गिर रहा है। लेकिन कहाँ गए इंसानियत के नारे मारने वाले, ह्यूमन राइट्स के नारे मारने वाले, इस्लाम और कुरान की बातें करने वाले। ये वो इम्तहान इलाही है, यहां पे असल में मुजाहिद राह हक का पता चलता है कि जिंदगी किसकी मोहब्बत में इसने गुजारी है। यहां पे हुक्मरानों के दीन और गैरत का पता चलता है कि वाकईन गैरतुल्लाह ज्यादा है, मोहब्बत खुदा ज्यादा है, मोहब्बत इस्लाम ज्यादा है, या अपने मकाम और अपनी कुर्सी की मोहब्बत ज्यादा है। मदीने में इमाम हुसैन की नमाज भी बची हुई थी, रोजा भी बचा हुआ था, बहनों की चादरें भी बची हुई थी, सकीना का बचपना भी बचा हुआ था, लेकिन खर्च तो इस्लाह है उम्मत जद्दी। पर मैं हुसैन ये कैसे बर्दाश्त करे, कोई शराबी रसूल के मिंबर पर बैठ गया। इंडिविजुअली अगर कोई शराब पीता तो इमाम हुसैन का एक्शन इतना शदीद ना होता, लेकिन हाकिम जब बेदीन बन जाता है, क्योंकि अवाम रईयत अपने हाकिमों के दीन पे होती है। आज पाकिस्तान के हुक्मरान अगर करप्ट हैं तो आपको एक रेडी वाला भी करप्ट मिलेगा, और करप्शन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, हेरा फेरी उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। एक करप्ट मुल्क में मौलवी भी करप्ट होता है, एक करप्ट मुल्क का मुफ्ती भी करप्ट होता है, एक डरपोक मुल्क के हुक्मरानों के मौलवी भी डरपोक होते हैं, अवाम भी डरपोक होते हैं। जब हुक्मरानों से गैरत खत्म हो जाती है तो अवाम में भी गैरत बाकी नहीं रहती। सबसे कम गैरत अहले बैत के कलाम में वो लोग हैं जो जुल्म को बर्दाश्त करते हैं, और इमाम हुसैन ने यह सिखाया। वरना कीमत क्या थी बागे फिदक की, जिसके नाम पे बागे जन्नत कर दिया गया हो, क्या कीमत है सैयदा के सामने। लेकिन तरबियत दे रही हैं कि किसी को आसानी से अपना हक छीनने न देना। अफसोस से हमारी कौम, किसी ने कहा मौलाना पाकिस्तानी बड़े साबिर हैं, मैंने कहा नहीं साबिर नहीं, ढीढ हैं। सब्र की मजम्मत नहीं है, ढीढ़पन की मजम्मत है कि जब इंसान अपने हक के लिए, ये जुलूस की तरबियत जो आपको दी गई है इसका क्या मकसद है। एक बस्ती है जहां शिया रहते ही नहीं है, 10 घर शियों के हैं, लेकिन जिद है कि हमने जुलूस निकालना है। क्यों? ये सीरत जनाब सैयदा है कि जुल्म का नारा बुलंद करो, बरमला अलल एलान, अपने हक के लिए आवाज को क्या करो, बुलंद करो। ये जिंदा कौमों की निशानियां होती हैं। करबला का फलसफा यह था कि मेरे अकबर की जवानी रहे न रहे, लेकिन कौमों की जवानियां बच जाएं।
मेरी जैनब की चादर रहे न रहे लेकिन कौमों की बेटियों की चादर बच जाए। हुसैन को सजदे में शहादत मिले तो मिले लेकिन जवानों के सजदे बच जाएं। आज जब भी नमाज में सजदा करो तो शुक्र हुसैन अदा किया करो। आज माओ बहनों के सरों पे जब चादर देखो तो ये एहसान सैयदा जैनब है। ये डेली ज़ियारत आशूरा पढ़ना कोई बड़ा एहसान नहीं इमाम हुसैन पर। जितना एहसान इमाम हुसैन ने हमारे ऊपर किया, हमारी नस्लों के ऊपर किया, जिंदगी भर भी इंसान ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़े कम है। और वल्लाह किसी कौम में इतने लेक्चर नहीं होते जितनी शिया कौम में होते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ बहुत जोर लगा लें ईद मिलाद उन नबी, रमजान के महीनों की चंद लेक्चर्स और जुमे के लेक्चर, ये बरकत हुसैन है। हाँ, विलादत की मजलिसें, शहादत की मजलिसें, नया घर लिया तो मजलिस, घर में बच्चा पैदा हुआ तो मजलिस, कोई खुशी मिली तो मजलिस, कोई गम मिला तो मजलिस। और कितना मोमिन बा बरकत है, जब तक जिंदा था तो मजलिस, जब दुनिया से गया तो मजलिस। हाँ? तो जिस कौम में इतनी मजलिसें हों उस कौम के बच्चों की तरबियत भी तमाम नस्लों से आगे होनी चाहिए। हुसैन के घर का बच्चा उठा कर देख लें और बनू उमैया के घर के बच्चे उठा के देख लो, हुसैन के घर से अकबर मिलेगा, हुसैन के घर से अब्बास मिलेगा, हुसैन के घर से जैनब जैसी बीबी मिलेंगी, और वहाँ चले जाओ तो यजीद जैसे बच्चे मिलेंगे, शिमर जैसे बच्चे मिलेंगे। ये अहले बैत ने वतीरा बनाया कि ये वो कौम है जिसमें खुमैनी पैदा होते हैं।